तेरे बालेश्वर सदर ब्लॉक रे सरकारी सहायता प्रदान रे टालटुल नीति अभियोग या कोई रास्ता कोल्हाई भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आवास योजना ठार आरंभ कर राशन कार्ड भत्ता एवं विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य अहेतुक विलंब और शासक दल चापरे ब्लॉक प्रशासन टालटुल नीति करुछे प्रतिवाद कर ब्लॉक ऑफिस घेराव करिछि बीजेपी तेरे संपर्क में अधिक आलोचना सीधासख नहीं चलु बालेश्वर और बालेश्वर आम प्रतिनिधि प्रकाश महांति जड़ाई प्रकाश जहाँ चित्र सामना को आसुची जे किभली भावे बालेश्वर सदर ब्लॉक रे सरकारी जहाँ सहायता प्रदान करा कथा टालटुल नीति अवलंबन करोपाई बीजेपी आज राजस्थ को लाई कौन आसुची ताजा चित्र देखो निवेदिता जो भाई भाव बीजेपी अभियोग करी भाव प्रधानमंत्री आवास योजना कथ हो राशन कार्ड कथ हो अबा बुढ़ा बुढ़ी लोक मान भत्ता कथ हो कौन सी पंचायत उन्नयनमूलक कार्य कथ हो तो यह कि जो सरपंच मैंने कार्य करो अच्छा सदर ब्लक रहा मनमिछा और सरकारी दल चापर चपाई सब कार्य कर नहीं कि आज बीजेपी सदर पक्षर आप देखुं ब्लक अफिस् आगे अनिर्दिष्ट काल घेराव करते प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी मैंने प्रति ध्यान नदे कौन प्रतिश्रुति न मिल तो से पर्यटन से धान रू हरिए ना आप देखुं नहीं पूर्वतन विधायक प्रार्थी जो अच्छा मानव दत्त सहित बीजेपी समिति सभ्य सरपंच समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता और राज्य संपादिका से समस्त अच्छा युव मोर्चार जो सदस्य मैंने सब अच्छा कि प्रकृत में जो कथा कहुच सरकार कहते गोटे कार्य करोटे बीजेडी सरपंच अच्छा समिति सभ्य अच्छा से मैंने कौन सी गोटे कार्य बीजेडी वाला कर दूना संगीन अभियोग से आनी जो सदर ब्लॉक से आज घेराव कर प्रबल खरा और गरम सत्ते जो लोक मैंने अच्छा से लोक हक से लड़ाई कर आम सहित मानस दत्त अच्छा आज मानस आम देखु आप खराब बस प्रशासन को चेतावनी जो टाउन नीति कर देखो आम बालेश्वर सदर ब्लॉक रे जो दुर्नीति अन्याय बढ़ी चली देखु कौन सी सेक्शन रे आज बिना पीसी रे कौन सी काम हो पार ना आप भत्ता कथा देखु षाठी वर्ष लोकटी भत्ता पाईला कि बास्तरी वर्ष लोक एवं लाइन दौलाइन करुच्चु भत्ता पाई ना सरकार डिमडिम पिटिले कहले पांच लक्ष टा दबू कोविड परिचालना कर सरपंच माने पॉकेट रु पैसा खर्च करी कोविड परिचालना करिले किंतु आज कहा जाउची कि तमे तमरो देइथिबा प्रोजेक्ट पैसा रु काटी की पांच लक्ष टंकार बिल करो आज आम देखीचु दि मास हेगलानी समिति बैठक सरीगलानी किंतु समिति रे कथा देइथिबा रिजोल्यूशन कॉपी आज पंत तयारी हेई पार नै तेणु ये कौन पाई हो पार नै बता मैडम तांकर मन इच्छा कारबार करुचंती राशन कार्ड तांकर मन इच्छा चली प्रधानमंत्री आवास योजना लोक को धमका जाऊँगी कि तुमको जदि तीन मास भितर मार्च 31 सुधा जदि तुम काम शेष न कर तुम टेंडर कैंसल तुम कार्यादेश रद्द कर दिया जीवो मासे दि मास हेला तो से कार्यादेश पाई से आणव कौटू तेणु ये सब विरुद्ध देखो आम को आज से प्रतिश्रुति दे रिजोल्यूशन आई जो कथा गुड़िक आम कहीचे एगुड़िक जदि न्याय पूर्वक न हुए ताले आम ये धारण उठू ना देखुंत जिते मत न्याय प्रदान नब से मत धारण उठे ना आप देखुं महिला मैंने ये जो गरम आसिक प्रतिवाद साधारण लोकों समस्या को प्रशासन आगे उठाऊँ तो से आप देखुं ब्लॉक परिसर में महिला मैंने बस कहीं ब्लॉक प्रशासन जो अच्छा संपूर्ण जो शासक दल चापर चेपा हो जाती से निर्देश अनुसार कार्य जहाँ विरोध कर दुर्नीतिर घर हो जा ब्लॉकटा महिला सरपंच जिला परिषद समिति सभ्य समस्त को एठी दल ये दल जेहेतु बीजेपी अच्छा हैरान कर महिला लड़िकी घर बाहर की लोक प्रतिनिधि होने दल पुरे कि काम करने दौना
आंकर जदि एत कम कर राजनीति कर सौक अच्छी ब्लक रो चाकरी कर एसी ऑफिस छाड़ दे कि चाकरी छाड़ दे कि आसतु खरार बुलिकी लोक सेवा करके राजनीति करूँ ए प्रशासन दरमा नहीं कि प्रशासन काम करके राजनीति करूँ ना आज जी सब बस सरपंच समिति सभ्य जिला परिषद जो हैरान होती लोक कम कर भत्ता दे पार ना प्रॉपर्ली राशन कार्ड दुर्नीति होती जो घर प्रॉपर्ली दि जाए सब को विरोध करके आज भाजपा ब्लॉक आज ब्लॉक घेरो बस जो भाया दुर्नीति करनीति हो तो से तुरंत से विदा करुव मोर्चार सदस्य आज्ञा आम देखु जो भाया कहते हैं बारंबार ए नहीं कि लिखित अभियोग प्रशासन को देखते किंतु जमी अभियोग कर सरपंच जे कि कम बीजेडी वाला कर देखो एठिकार कथा नुह पूरा सारा ओडिशा रे शासक दल ररचन अमलातांत्रिक शासन तृतीय महलारू कंट्रोल होउची सबू ब्लॉक ऑफिस एठी विजु जनता दल को चलाउथबा लोक ब्लॉक रे चलाउथबा लोक होउचंती वीडियो आउ जिला को चलाउथबा लोक होउचंती जिलापाल तो एठी पातर अंतर्नीति स्वाभाविक स्थिति ये कथा को विरोध करिया पई भारतीय जनता पार्टी आज एकत्रित हेची देखु दलय भितर ये भत्ता बंटन कथा हो प्रधानमंत्री आवास योजना को निज नावर्तन करजु पक्काघर कथा हो कि आउ जिते भी दुर्नीति अच्छे ये सब कथा बारंबार बारंबार प्रहसन पलटला प्रतिश्रुति प्रतिश्रुति पर प्रतारणा आगे पुणी प्रहसन ये कथार निर्जाशाई भारतीय जनता पार्टी आंदोलन उल्लेख आगामी दिन में रणहुंकार पंचायत निर्वाचन तार प्रतिफलन देखा भारतीय जनता पार्टी जो रणहुंकार तार प्रतिफलन आगामी पंचायत निर्वाचन में मिले बोली स्पष्ट भाव जो भाव सरकार कहते कि प्रधानमंत्री आवास योजना को विजु पखारे पड़ेगा अन्यान्य राशन कार्ड कथ हो भत्ता कथ हो जमीक कहते जो 72 वर्ष लोक को भत्ता मिलूना और 40-45 वर्ष लोक को भत्ता मिली भाई संगीन अभियोग सब करोपी निष्पत्ति यदि पंचायत सारा राज्य में सरकार मत परिवर्तन न करती बा लोक को सुशासन न दिखती निश्चित भाव आगामी पंचायत निर्वाचन में लोक तार जवाब देवे आज आम भी देखु एक बस कौन स्ट्राटेजी ब्लॉक ऑफिसटा पूरापूरी गोटे ब्लॉक ऑफिस रे परिणत हो जाए कारण समस्त कार्यक्रम जी जहाँ हो सब दलय भितर कार्यक्रम हो प्रधानमंत्री आवास योजना ठू आरंभ करी बार्धक्य भत्ता ठू आरंभ करी सब ये वक्ता मैंने जो मैंने कहते सब सरपंच ठू आरंभ करी समिति मेंबर मैंने ये गोटे गोटे उदाहरण रखिकी कहते जे एठी युवक भत्ता दि जाऊँ जोटा कि विधवा होना तुम्हें भत्ता दि जाऊँ प्रकृत हिताधिकारी जो मैंने पा ना ये हूँ वर्तमान से ही कारण दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी तरफ ब्लॉक ग्राउ कार्यक्रम कर व्यापक अनियमितता आपण युवक भत्ता जमी कहते जो मैंने प्रकृत योग्य हिताधिकारी भत्ता कथा हूँ बा आवास योजना कथा हूँ किंबा पंचायत कौन उन्नयनमूलक कार्य कथा हूँ यह दल मत निर्विशेष से दलगत भाव से कार्य करूँ पंचायत दल को से दौना जो कि पंचायत लोक मैंने हैरान हरकत होती तो ये लगे भारतीय सदर बीजेपी पक्षर आज यार दाबी दवास लिखित अभियोग करने अनिर्दिष्ट काल धारण में बस आज्ञा ये धारणा आपते जाए चलो आज भारतीय जनता पार्टी तरफ ये जो ब्लॉक घर कार्यक्रम रही शासक विजु जनता दल चापर प्रशासन एवं ब्लॉक अध्यक्ष ये संपूर्ण भाव गोटे दलय भित्ति सरकारी योजना को कार्यकारी करें बारंबार कौच गत दुई मास ते 20 तारीख जनवरी मस रे गोटे समिति बैठक में सबु निर्वाचित सरपंच समिति सभ्य जिला परिषद दुई विधायक उपस्थित विडीओ अध्यक्ष उपस्थित रे आलोचना है एफडीआर काम गुड़िक जो पंचायत सरपंच समिति सभ्य से सुपारिश काम हो आदि पर्यंत तार से निष्पत्ति कार्यकारी करूना जहाँ फल कि सब पंचायत बर्तमान बिवाद गंडगोल झगड़ा हणाकटा आरंभ होगा रेशन कार्ड गरीब लोक मैंने आज पर्यंत पाई पारले नहीं अतः धनी लोक पक्का घर थिबा लोक चाकरी करथिबा लोक को रेशन कार्ड दिया है भत्ता बहुत गरीब लोक पाई पारु नांती तो पानी पाई सरपंच माने डिपोजिट कले दुई वर्ष है आरडब्ल्यूएसएस लक्ष लक्ष टंका एबे गत 6 मास वर्षा नथिबारु
ପାଣି ଅଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଢହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଥ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ବିଡ଼ିଓ କିଛି ନ ଶୁଣିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ହେଉ ବା କାମ କରିବାର ଅନିଚ୍ଛା ଥାଉ ତ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷୋଭ ଆସିଛି ଆଜି ସେ କ୍ଷୋଭର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଲୋକମାନେ ସବୁଠି ଏକଜୁଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ ଯେ କି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ପିଇବା ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ହାଣ୍ଡି ଏବଂ ବାଲ୍ଟି ଆଣି ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେପାଇଁ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ପାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ହଣକଟା ହେଉଛି ଏବଂ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଯାହାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଏ ଖରାରେ ଆସିକି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଶୁଣିବ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତ ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟ କାମ କରିବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଶା ନାହିଁ ନା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଭତ୍ତା ନାହିଁ ପାଇଖାନା ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ସବୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କହିକି ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୋଦିଙ୍କର ଟଙ୍କାରେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଉଛେ ମାନେ ଏସବୁ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେତିକି ମାନେ ଖାଲି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ କିଛି କାମ କରିବେ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛେ ମୁଁ କଶିପଦା ପି ଏସ୍ ମେମ୍ବର ଅଭିପ୍ସା ନାୟକ ଆମେ ଏଜ୍ ଏ ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଠି କାମ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ତ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ନା ଯେ ଆମେ ଜିତିଲେ ଏଇ ଏଇ କାମ କରିବୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସଦର ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ତ ଆସିପାରିବୁନି ଯାହା ସହାରାରେ ଆସିବୁ ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ଆମକୁ 10-12 ଥର ଘୁରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଆପାତତଃ ଗୋଟେ ସୌଜନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ବ୍ଲକର ଅଥରିଟି ହିସାବର ବିଡ଼ିଓ ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କେବେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ପି ଏସ୍ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ତ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ କେତେ ହିଟ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ ଗରମରେ ଆସିକି ଆଜି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କଲା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ଟା ବ୍ଲାକ୍ ଅଫିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ରେ କାମ ହୁଏ କେତେବେଳେ 10ଟାରୁ 4ଟା କାମ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି 4 ପରେ କାମ ହୁଏ ତେଣୁ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହିସାବରେ ଆସିକି ଆମେ ଏଠି ଠିକ୍ରେ କାମ କରିପାରୁନାହୁଁ କି ଆମେ ନ୍ୟାୟରେ ବି କାମ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନରେ ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତା ଖୋଲାଇଛି ଆ ସହିତ ଯାହା ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ